जदयू में पहले कुर्सी की लड़ाई थी, लेकिन अब यह लड़ाई नालंदा तक पहुंच चुकी है। जनता दल यूनाइटेड के अंदर नालंदा किसका होगा और नालंदा को लेकर कौन अपना दावा ठोक रहा है, ये सारी चीजें इस खबर में बताएंगे। लेकिन उसके पहले केंद्रीय मंत्री यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के इस बयान को सुनिए। हमारा गांव जहां है, मैं वहीं पैदा लिया हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का वो गांव है, लेकिन वो पैदा लिए हम लोग चाहते, इसलिए हमारे उनमें फर्क है। मतलब अधिकार आपका ज्यादा है? अधिकार की बात नहीं है जी, मैंने कहा ना कि मेरा तो घर ही है, मैं पैदा लिया, ये मैं बता रहा हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी का पैतृक गांव है कल्याण का, लेकिन उनका पैदा हुए हैं बख्तियारपुर में। सर, मीडिया में ऐसी भी बातें आ रही है कि आरसीपी जी को हाशिए पे रखा जा रहा है या उनपे कोई एक्शन लिया जाएगा, तो मैं जी क्या हाशिए पर रहूंगा। आरसीपी सिंह के बयान को आपने ध्यान से सुना, अब इसमें दो चीजें स्पष्ट हो रही हैं। एक कि नीतीश कुमार नालंदा के हैं लेकिन नहीं भी हैं, और दूसरा नालंदा आरसीपी का है। नालंदा पर आरसीपी सिंह ने दावा ठोका है तो नीतीश कुमार ने भी अब चैलेंज कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्म बख्तियारपुर में हुआ और आरसीपी सिंह इस बात को दोहरा रहे थे। वहीं अगर बात करें तो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने स्पष्ट किया है कि नालंदा और बाढ़ के लिए सीएम नीतीश ने जो काम किया है वो अभी तक के इतिहास में नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कोई टिप्पणी करने से पहले सोचे, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके लिए जो किया है उस पर भी विचार कर लेना चाहिए। जदयू की तरफ से नीरज कुमार ने मोर्चा खोल दिया है और आरसीपी सिंह को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि नालंदा पर जो आरसीपी सिंह दावा ठोक रहे हैं वो दावा दरअसल उनका कमजोर है। दावा मजबूत मुख्यमंत्री का है, और वो मुख्यमंत्री जिन्होंने नालंदा में सड़कों का जाल बिछाया, नालंदा के लिए कई कार्य किए। अभी हाल के दिनों में जू सफारी का जो उद्घाटन हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, वर्ल्ड क्लास ग्लास ब्रिज बना, ये सारी चीजों का जिक्र किया जा रहा था। अब आरसीपी सिंह जिस तरीके से नालंदा पर दावा ठोक रहे हैं तो कहीं ना कहीं जदयू के अंदर खेमे से बड़ा बयान निकल कर सामने आना लाजमी था। और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने दावा ठोक दिया है। अब ऐसे में आरसीपी का अगला कदम और आरसीपी इस मसले को लेकर क्या सोचते हैं ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के अंदर आरसीपी की सक्रियता अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखना होगा आरसीपी सिंह आने वाले दिनों में क्या कुछ करते हैं और किस प्रकार से जदयू में एक टूट की जो संभावना आरसीपी के माध्यम से बनी हुई है, क्या उसमें सफल होते हैं या आरसीपी सिंह यूं ही संगठन बनाकर और नए सिरे से सियासत करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।